नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक बार फिल्मी सीक्रेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार आज किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। अक्षय कुमार ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बॉलीवुड में एक से एक शानदार फिल्में दी है और इनका हर एक मूवी फैंस द्वारा बेसब्री से इंतजार रहता है और फिल्म आते ही सिनेमा घरों में काफी जोरों से बुकिंग होने लगता है और इनके मूवी में अच्छी खासी कमाई भी कर लेता है। अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हो गया है। मूवी का ट्रेलर बहुत ही शानदार है और अक्षय कुमार का पृथ्वीराज के मेन लीड रोल में आने वाले हैं। अक्षय कुमार ने पृथ्वीराज के रोल में काफी बखूबी ढंग से निभाया है, जो कि काफी देखने लायक है। अक्षय के अलावा इस फिल्म में KGF 2 के सफलता के बाद संजय दत्त भी आपको देखने को मिलेगा। आपको शायद पता होगा कि संजय दत्त KGF 2 में अधीरा का रोल में बहुत ही अहम योगदान रहा है और फैंस द्वारा भी काफी प्यार मिला है। और इस फिल्म में विलन का रोल में संजय दत्त होंगे, जो कि विलन के रोल में अभी के टाइम में संजय दत्त काफी फिट बैठते हैं। इस फिल्म में संजय दत्त का लुक काफी आकर्षित लग रहा है। हाँ, तो दोस्तों बात करें इस फिल्म का सॉन्ग का, तो इनसाइड सोर्सों का कहना है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार की पिछली मूवी की तरह 3 से 4 सॉन्ग देखने को मिल सकता है, जिसमें से एक भी सॉन्ग अक्षय कुमार का रिलीज नहीं हुआ है। और इस फिल्म का प्रत्येक सॉन्ग, जिसमें से एक सॉन्ग अक्षय कुमार और दूसरा मूवी के लीड एक्टर्स ने निभाई है, जहां इस मूवी में दोनों कलाकार को एक साथ देखने को मिलेगा। और इस फिल्म का प्रत्येक सॉन्ग काफी अच्छे तरह से फिल्माया गया है। इसका कोई भी सॉन्ग अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। फिलहाल दोस्तों बात करें पृथ्वीराज मूवी के रिलीज डेट, तो 3 जून 2022 को 600 से भी ज्यादा सिनेमा घरों में फिल्माया जाएगा। तो दोस्तों, आप पृथ्वीराज मूवी और इनके सॉन्ग को लेकर कितना एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और फिल्म को एक बार सिनेमा घरों में जाकर जरूर देखें। बाकी दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।